हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो एक और वीडियो में हम लोग एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है दैट इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज 448 पाई क्यूब सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेटर सरफेस एरिया एंड द टोटल सर्फेस एरिया। ठीक है, हमें एक सिलेंडर गिवन है और इसकी हाइट गिवन है हम लोगों को, दैट इज 7 सेंटीमीटर। हमको इसका लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस केस में आपको बेटा तीनों चीज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। बिकॉज अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूले याद होनी चाहिए। हाइट हमें गिवन है इस सिलेंडर की, दैट इज 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम गिवन है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हमें निकालना है सबसे पहले लेटर सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच, और उसके बाद फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस आर, राइट। आई थिंक ये फॉर्मूले सभी को लर्न होंगे, नहीं लर्न है तो प्लीज करो, बिकॉज तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। जिनको ये फॉर्मुलेज में प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताएं, आप मैं आपको एक चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारे फॉर्मुलेज राइट लिखे हुए हैं और आपको लर्न करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आप लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अगर आप ढंग से देखें, अगर लेटर सर्फेस एरिया देखो बेटा आपने अगर फाइंड आउट करना है, आई थिंक इसमें 2 into pi तो पता है आपको, आर नहीं पता, हाइट पता है, दैट इज 7, करेक्ट। तो अगर किसी तरीके से r पता चल जाए, यहाँ पे r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 को 7 के साथ कैंसिल करेंगे और 2 into 22 into r के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब r कैसे फाइंड आउट करें, r फाइंड आउट करने के लिए बेटा यहाँ पे देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 448 पाई। तो यहाँ पे अगर आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ आया मैंने पाई को पाई से कैसे कैंसिल किया, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा से राइट कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी क्योंकि क्या होता है कि समझ नहीं आता कैसे हम लोगों ने इसको किया, यहाँ पे पाई है और यहाँ पे भी एक पाई है। तो अगर आपको आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली पाई एंड एच को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे, और लेफ्ट में बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट में जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो पाई इंटू एच, और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है 7। तो देखो मैंने पाई से पाई क्योंकि कैंसिल हो जाता तो वहां मैंने उसको डायरेक्टली करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर इक्वल्स टू के दोनों तरफ सेम वैल्यू है, लेकिन दोनों तरफ का मतलब इक्वल्स टू के दोनों तरफ या तो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए दोनों वैल्यूज, या दोनों वैल्यूज न्यूमिनेटर में होनी चाहिए। तो अगर इक्वल्स टू के दोनों तरफ सेम वैल्यू न्यूमिनेटर में है तो उसको कट कर सकते हो आप, और सेम वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू के दोनों तरफ तो उसको भी कट कर सकते हो आप, ठीक है। इसको फिर 7 से कैंसिल करते हैं, आई थिंक ये हो जाएगा 6 times and 4 times, तो आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64। तो आर स्क्वायर अगर 64 है तो इसका मतलब आर हो जाएगा रूट 64, तो आर का वैल्यू आएगा बेटा 8 सेंटीमीटर। तो आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट तो समझ आया सब लोगों को, आर कैसे फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपको आर पता है, सिंपली यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 8 को, ठीक। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 22 को। अच्छा, ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, बिकॉज हम लोगों को पता है किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, राइट। फिर पता है आप लोगों को, पहले 2 इंटू 2 करते हैं 4, 4 इंटू 2 इज 32, इंटू 11 2 को कॉपी करो, 3 एंड 2 को प्लस करो, एंड फिर लास्ट में 3 को कॉपी करो, है ना, इजी। अगर जिसको ट्रिक नहीं पता नीचे मुझे सेक्शन में बताएं, मैं आपको इसकी ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, 11 की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आप लोगों को पता होनी चाहिए, बिकॉज वेर एवर आपको पाई दिखता है ना जहाँ पे भी, वहाँ 22 में एक 11 इंटू 2 11 रहता है, तो 11 का मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 पाई का वैल्यू इज 22 अपॉन 7, रेडियस इज 8 एंड हाइट इज अगेन 7 प्लस 8। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको क्या है, इसको यहाँ लिखे चले जाते हैं हम लोग, तो इट इज 2 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 15 अपॉन 7। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू इसको स्प्लिट करते हैं 2 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 15 और अपॉन 7, राइट। उसको इस तरीके से स्प्लिट इसलिए किया बिकॉज मैं पहले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा और लास्ट में उसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, करना आसान होता है। 2 2s are 4, 8 4s are 32,
अब 32 को क्या करना है, 32 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट करते हैं 15 टू जा 33 कैरी, 15 थ्री जा 45 एंड 3 इज 48, ठीक है। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए 0 तो एज इट इज रहेगा, 8 कॉपी होगा, 4 प्लस 8 इज 12, 1, 4 कॉपी करेंगे, 1 वहां से होगा तो 5, तो 5 280 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको वैसे भी, वैसे कोशिश कीजिए इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें आप, ठीक है। पॉइंट्स में आई थिंक आप लोग कर लेंगे। अगेन ये 11 से कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, इसकी एक ट्रिक है, आपको अगर नहीं पता मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको हेल्प करूंगा। अदरवाइज नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई करना था और आपका आंसर इस केस में आ जाता, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहता है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है ask.truemaths.com, उस पर जाइए, कोई भी डाउट पूछे मैथ से रिलेटेड, हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे, राइट। प्लस डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बताइए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, राइट। हम लोग हमेशा तैयार हैं आपको हेल्प करने के लिए। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई भी इनपुट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होता है। थैंक यू वेरी मच।